प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल समेत कई नेताओं ने ट्विटर पर अपने नाम के आगे चौकीदार शब्द जोड़ा है। ट्विटर पर पीएम मोदी का नया नाम चौकीदार नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नया नाम चौकीदार अमित शाह हो गया है। बता दें, शनिवार को ही पीएम मोदी ने मैं भी चौकीदार कैंपेन की शुरुआत की थी। पीएम मोदी ने कहा कि हर देशवासी जो भ्रष्टाचार, गंदगी और सामाजिक बुराइयों से लड़ रहा है, वो एक चौकीदार है। भारत के विकास के लिए कड़ी मेहनत करने वाला हर व्यक्ति चौकीदार है। आज हर भारतीय कह रहा है #मैं भी चौकीदार मैं भी चौकीदार। इसके बाद ट्विटर पर #मैं भी चौकीदार मैं भी चौकीदार ट्रेंड करने लगा था। ट्विटर पर चौकीदार बनने के बाद अमित शाह ने लिखा, जिसने बनाया स्वच्छता को संस्कार, वो है चौकीदार। #मैं भी चौकीदार मैं भी चौकीदार कहो दिल से #चौकीदार फिर से। आज यानी रविवार को पीएम मोदी ने जैसे ही ट्विटर पर अपने नाम के आगे चौकीदार जोड़ा, उसके बाद बीजेपी के सभी नेताओं ने भी अपने ट्विटर पर नाम के आगे चौकीदार लिख लिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, पूनम महाजन, अमित मालवीय, केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी, मीनाक्षी लेखी, विजेंद्र गुप्ता, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनुराग ठाकुर समेत कई बीजेपी नेता अब ट्विटर पर चौकीदार बन गए हैं। बीजेपी नेताओं के चौकीदार बनने के बाद ट्विटर पर #चौकीदार फिर से ट्रेंड कर रहा है। बता दें, कांग्रेस नेताओं ने राफेल डील को लेकर चौकीदार चोर है का नारा दिया था। यह नारा काफी फेमस हुआ था। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी हर रैली में इस नारे के जरिए पीएम मोदी पर हमला बोलते हैं। अब बीजेपी ने कांग्रेस के नारे को पलट दिया है। बीजेपी ने 2014 में चाय वाला कैंपेन चलाया था। तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव अभियान में खुद को चाय वाला बताया था और जगह जगह चाय पर चर्चा का आयोजन किया था। 2017 के आखिर में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने विकास पगला गया है का नारा दिया था। इसके जवाब में बीजेपी ने बकायदा एक वीडियो कैंपेन चलाया और मैं हूँ विकास, मैं हूँ गुजरात का नारा दिया। पटना से बिफोर प्रिंट की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें।